एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी पॉइंट। मैं लवली वारदास, मेरे आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ एक फेशियल। ये ब्राइडल स्पेशल फेशियल है। मैं आज यहाँ पे यूज करने वाली हूँ लोटस अरोल का व्हाइट ग्लो फेयरनेस फेशियल। ये बहुत ही अच्छा फेशियल है और बहुत ही बजट फ्रेंडली है। अगर आपकी शादी होने वाली है और बजट में कोई ढंग का फेशियल ढूंढ रहे हो तो आप इस फेशियल को कर सकते हो। बहुत ही सस्ता मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इस फेशियल को यूज करना है। इसे मैंने 225 रुपीज में परचेस किया है अमेजोन से। मैं आपको उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से इसे चेक कर सकते हो। वैसे आपको ये मार्केट में भी बहुत ही इजिली अवेलेबल होंगे, आप वहां से भी परचेज कर सकते हो। तो चलिए देख लेते कैसे इस फेशियल को करना है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो एक लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और बगल में बेल आइकन को भी जरूर से हिट करना ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फर्स्ट तो चलिए फेशियल स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग और क्लींजिंग के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्लींजर। तो फ्रेंड्स, ये है फेशियल का फर्स्ट स्टेप जो कि क्लींजिंग मिल्क। क्लींजिंग मिल्क को अपने फिंगर टिप में लेके अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए अप्लाई करना है। मसाज करते हुए अप्लाई करने से क्या होगा कि हमारा डर्ट पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। जो भी जमी हुई धूल गंदगी होंगी वो सारी निकल जाएगी। जब हमारा फेस पूरी तरह से क्लीन होगा तो ही हमारे फेस पे फेशियल के अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। इसलिए क्लींजिंग मिल्क मैं यहाँ पे टॉवल का यूज़ कर रही हूँ। बट जब भी आप पार्लर में जा रहे हो तो आप उन्हें बोलो कि वो फेशियल टिश्यू यूज़ करें, क्योंकि एक ही टॉवल वो बहुत सारे कस्टमर पे यूज़ करते हैं। इसलिए आप वहाँ पे उन्हें टिश्यू यूज़ करने के लिए सजेस्ट करो। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेरा दूसरा स्टेप जो कि है स्क्रब। स्क्रब में इसमें इसके जो स्क्रब है लोटस का, ये सॉरी आई मीन इस फेशियल किट का जो स्क्रब है वो थोड़ा सा हार्ड है। तो आप इसे बहुत ही स्लोली करें, बहुत ही हल्के हाथों से करें और बहुत ज़्यादा टाइम देकर नहीं करें, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो थोड़ा सा हार्ड है। तो आप इसको बहुत ज़्यादा रब नहीं करें, नहीं तो आपके फेस पे रेडनेस आ सकती है। हल्के हल्के हाथों से ही स्क्रब करें। अपने नोज़ पे ज़रूर करें क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ब्लैक हेड व्हाइटेड होता है और स्क्रब करने से वो क्लीन हो जाता है, हमारे पोर्स क्लीन हो जाते हैं। इसलिए अच्छे से टाइम लेके करें, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, आपको 3 से 5 मिनट मैक्सिमम करना है और एकदम हल्के हाथों से स्क्रब करना है। अपने हाथ को थोड़ा सा भींगा लीजिए अगर क्रीम ड्राई लग रहा है तो। जब हाथ आपका भींगा हुआ होगा तो अच्छे से मसाज हो पाएगा, आपका हाथ फिसलेगा तो आपको मसाज के स्टेप अच्छे से फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से हमने 3 से 5 मिनट के लिए स्क्रब कर लिया है और फेस और नेक दोनों पे स्क्रब करना है। जहाँ पे भी ब्लैक हेड्स है, डार्क पैचेज है, वहाँ पे हल्का टाइम देके स्क्रब करना है। आँखों के नीचे डार्क सर्कल है जिन लोगों की, जहाँ भी आपके फेस में कोई इशू है आप वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे। अगर किसी किसी को हास लाइन बनता है, लाफ लाइन बनता है, उन सब जगह पे ज़्यादा टाइम लेके करेंगे आप मसाज और स्क्रब तो आपको अच्छी बेनिफिट मिलेगी। वहाँ ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने लगेगा जिससे आपको ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अब हम करेंगे हमारा तीसरा स्टेप जो कि है मसाज। मसाज क्रीम भी इसमें थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो आप इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। अपने हाथों को पानी से भींगा लीजिए या फिर गुलाब जल स्प्रे कर लीजिए अपने फेस पे और अपने हाथों पे, उसके बाद आप इस तरह से मसाज कीजिए। मसाज क्रीम अच्छा है, इसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी एक बार नहीं लीजिए। अपने हाथ को पानी से भींगा के मसाज कीजिए ताकि आपका हाथ फिसले अपने फेस पे तो आप अच्छे से मसाज कर पाएंगे। ये मसाज आपको 10 से 15 मिनट के लिए करना है। आप जितना अच्छा से मसाज करेंगे आपको उतनी अच्छी ग्लो दिखेगी फेस में फेशियल के बाद। कोई भी फेशियल का तुरंत रिजल्ट नहीं देखता है, 2 से 3 दिन के बाद आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो अब मैं जो आपको वीडियो में दिखा रही हूँ मसाज के स्टेप, आप सेम तरीके से मसाज के स्टेप फॉलो कीजिए। अगर आपको फेशियल नहीं भी करना आता तो मैंने इतने आसान तरीके से बताया है कि आप एक बार में ही समझ जाएंगे देख के। नहीं तो आप वीडियो को प्ले कर लीजिए सामने, उसके बाद फेशियल करना स्टार्ट कीजिए और सेम तरीके से जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ 2 से 3 बार अगर इस तरह से आप वीडियो में देख के खींचिएगा तो बहुत अच्छे से सीख जाइएगा। वैसे मेरा एक वीडियो है जो स्पेशली मसाज के लिए, फेशियल मसाज कैसे करना है, सेल्फ मसाज, तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ से आप और भी अच्छे से सीख सकते हैं फेशियल का मसाज कैसे करना है। मैंने वीडियो को हल्का सा फास्ट कर दिया है बिकॉज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इतना फास्ट नहीं करना है जितना आपको शो हो रहा है, आपको हल्के हल्के हाथों से ही मसाज करना है, ऑल ओवर फेस और नेक पे करना है। जिन लोगों की आईब्रो की ग्रोथ नहीं होती उन्हें आईब्रो का भी मसाज अवॉइड नहीं करना चाहिए। आईब्रो का मसाज करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आईब्रो की ग्रोथ बढ़ेगी, साथ ही साथ आपका आईब्रो काला और घना भी होगा। फॉरहेड पे भी मसाज करना है इस तरह से जिग जैग में। हम जब भी कोई भी मसाज करते हैं फेस पे ओनली फिंगर्स का ही यूज़ करते हैं, फिंगर्स के अलावा अपने पाम का यूज़ नहीं किया जाता है। ऑल ओवर फेस और नेक पे इसी तरह से फिंगर्स का हेल्प करते हुए मसाज करना है।
अभी जो आप देख रहे हैं ये लाफ लाइन है, बहुत सारे लोगों को लाफ लाइन बनती है, तो आप उस तरह से लाफ लाइन पे भी मसाज करेंगे तो आपका लाफ लाइन भी कम हो जाएगा और आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल है वो भी कम हो जाएंगे। साथ ही साथ चिन का मसाज करना है इस तरह से, जैसे आप देख रहे हो वीडियो में सेम तरीके से मसाज कीजिए, बहुत ही अच्छा आपको फेशियल का रिजल्ट दिखेगा। फ्रेंड्स, हमने इस मसाज को 15 मिनट के लिए किया है, बहुत ही अच्छे से हमारा मसाज कंप्लीट हो चुका है। जब भी आपका हैंड ड्राई हो आप पानी से भिंगा लीजिए और अगर आपको क्रीम की क्वांटिटी चाहिए तो आप क्रीम की क्वांटिटी भी लेके मसाज कीजिए। मैंने 15 मिनट तक के लिए मसाज कर लिया। अब हम यूज़ करेंगे हमारा चौथा स्टेप जो कि है फेस मास्क। अब हम फेस मास्क अप्लाई करेंगे। फेस मास्क अप्लाई करने में कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मली आप इसे अपने हैंड के हेल्प से, फिंगर के हेल्प से या फिर ब्रश के हेल्प से, जैसे भी कम्फर्टेबल हो, अपने फेस पे फेस पैक लगा लीजिए और इसको ड्राई होने तक वेट कीजिए। जब ये ड्राई हो जाए अच्छे तरह से, आप इसे नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लीजिए, आपका फेशियल कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने फेस मास्क लगा लिया है ऑल ओवर फेस पे और नेक पे भी लगा लीजिए। जहाँ भी आपने मसाज किया है वहाँ पे फेस पैक भी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम मसाज करते हैं हमारा पोर्स क्लीन हो जाता है, उसे ब्लर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब वो डायरेक्टली ओपन रहेगा उसमें बहुत सारी गंदगी जाएंगी, ऑयल जाएंगे, जिससे पिंपल हो जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तब हमने फेस पैक लगा लिया, ड्राई हो चुका है, इसे सूखने तक वेट करेंगे और उसके बाद मैंने फेस को क्लीन कर लिया है। अब आप मेरा फाइनल रिजल्ट देख सकते हो, आप अभी भी अच्छा फील कर रहे होंगे। तो हमारा फेशियल कंप्लीट हो चुका है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और इस तरीके से आप बहुत ही इजिली अपने घर पे ही फेशियल किट को खरीद के फेशियल कर सकते हैं। आपको पार्लर में नहीं जाना होगा, बहुत ही ज्यादा पैसे पेमेंट नहीं करने होंगे, इस तरीके से आप अपने घर पे ही फेशियल कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपकी कोई वीडियो रिक्वेस्ट हो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगी उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।